नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का बुधवार को दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। वे 58 वर्ष के थे। राजू 42 दिन से अस्पताल में भर्ती थे और जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक सत्र में कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से कहा था कि यह युद्ध का वक्त नहीं है और उनकी यह बात एकदम सही थी। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि जहाजों और पनडुब्बियों के उत्पादन से लेकर कलपुर्जों व हथियारों तक भारतीय नौसेना 2047 तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगी। बिहार के रोहतास जिले में गया दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेल खंड में बुधवार सुबह एक मालगाड़ी के 20 वैगन पटरी से उतरे। दिल्ली हावड़ा मार्ग अवरुद्ध, 14 ट्रेनें प्रभावित। दिल्ली के सीमापुरी में दर्दनाक हादसा, एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे सो रहे 6 लोगों को कुचला। हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 घायल। अयोध्या में बना सीएम योगी आदित्यनाथ का मंदिर, योगी आदित्यनाथ की मूर्ति लगाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई गई, होती है नित्य पूजा आरती। भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर का दावा कि अवैध शराब के धंधे में लिप्त अपने रिश्तेदारों को पुलिस हिरासत से बचाने के लिए बेची जा रही है बेटियां। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी जताई मामले पर चिंता। राजस्थान में कहर बरपाने के बाद पशुओं के रोग लंपी ने मध्य प्रदेश में भी दस्तक दी है। राज्य के कई जिलों में लंपी संक्रमित पशु सामने आने लगे हैं। सरकार ने पड़ोसी राज्यों से आने वाले पशुओं पर लगाई रोक। भारत में कोरोना के 4,510 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में महामारी से 14 लोगों की मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 46,216 हुई। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेटों से हराकर जीता मोहाली T20। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने बनाए 208 रन। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 4 गेंदे शेष रहते 6 विकेट खोकर हासिल किया विजय लक्ष्य। ये थी फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। यानी विजिट करें वेब दुनिया पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।